आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है अमंग द कंपाउंड्स BF3, NH3, H2 एंड SF4 एंड BCBeCl2 आइडेंटिफाई द वंस इन व्हिच द सेंट्रल एटम हैज द सेम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमें बताना है जो ये पांच कंपाउंड दे रखे हैं, इनमें से हमें ऐसे आइडेंटिफाई करने जिनके सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो पहले देखते हैं BF3 की हाइब्रिडाइजेशन। BF3 में देखें तो बॉन्ड में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 की, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से BF के कितने बॉन्ड पेयर आएंगे? 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है। मतलब बोरोन अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, फ्लोरीन के साथ, फिर हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन फ्री, तो 0 लोन पेयर। इन दोनों को ऐड कर दो, स्टेरिक नंबर 3 और हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आई sp2 आई। देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये फ्लोरीन के साथ, ठीक है, ये और बाकी बचे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या है? sp2। ये आई sp2। फिर हमारे पास क्या दे रखा है? NH3। अब NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 की, मतलब इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से NH के कितने बॉन्ड पेयर आए? 3 बॉन्ड पेयर आ गए। नाइट्रोजन ने अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए इसके साथ, और अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, तो एक लोन पेयर। जब इन दोनों को ऐड करें, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। इसकी आगे हाइब्रिडाइजेशन sp3। देखिए इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये एक लोन पेयर हो गया, ये 3 इसके साथ यहाँ शेयर किए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया sp3, ठीक है। इसके लिख देते हैं ये sp2, sp3। फिर H2O की बात करते हैं, C हमारे पास H2O। अब H2O में देखें तो हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन की वैलेंसी तो एक पता ही हमें। यहाँ से OH के कितने ऑक्सीजन, हमने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज किए होंगे, तो 2 बॉन्ड पे 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो 2 लोन पेयर। दोनों को ऐड करें तो स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी sp3। ये भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज आया। देखिए O H H, ये 2 लोन पेयर। फिर हमारे पास D है sf4। अब sf4 की देखिए तो सल्फर के पास कितने हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन की वैलेंसी हमें पता है 1 थी, ऊपर BF3 में देखा था। तो यहाँ से सल्फर फ्लोरीन के 4 बॉन्ड पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन सभी भी फ्री रह जाएंगे सल्फर के, तो एक लोन पेयर। दोनों को ऐड करेंगे, स्टेरिक नंबर 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d। देखिए सल्फर के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर। सिर्फ फ्लोरीन का वही इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये आ गया sp3d हाइब्रिडाइज, ठीक है। H2O आया sp3, ये sp3d, ठीक है। फिर हमारे पास है BeCl2। अब BeCl2 की बात करें तो बेरिलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन की भी वैलेंसी हमारे पास 1 ही। यहाँ से बेरिलियम और क्लोरीन के 2 बॉन्ड पेयर आएंगे, बेरिलियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा क्लोरीन के साथ, 2 बॉन्ड पेयर, 0 इलेक्ट्रॉन फ्री, अभी भी इस पर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं, तो 0 लोन पेयर। दोनों को ऐड करें, स्टेरिक नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन sp, तो ये आया sp हाइब्रिडाइज। देखिए बेरिलियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ शेयर हुआ और एक यहाँ पे, तो ये देखिए ये आ गया sp हाइब्रिडाइज्ड। तो ये है BeCl2 sp हाइब्रिडाइज्ड। तो सेम देखिए किसकी सेम है, सिर्फ NH3 और H2O, इन दोनों की सेम है sp3 sp3। तो इसका ऑप्शन ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थैंक यू।
क्लासिक्स से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।